हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं तूबा और आप देख रहे हैं किचन विद तूबा यूट्यूब चैनल। और आज मैं बनाने जा रही हूँ तोरी की सब्ज़ी। मैंने 500 ग्राम तोरी लिए हैं, अब हमें उसको छीलना है। ये देखिए, अब मैं इसको छील रही हूँ। आपको इसी तरीके से इसे छीलना है, पूरी तोरी को इसी तरीके से हमें छीलना है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इस तरीके से छील लिया है। अब मैं इसको कट करूँगी, थोड़ा सा दोनों तरफ से कट करना है हमें, थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कट करना है, थोड़ा सा कट करना है। अब मैं इसको 3 पार्ट्स में कट कर लूँगी। अब मैंने इसको 4 पार्ट्स में कट कर लिया है। अब जिस तरीके से मैंने इसको कट करा है, आप इसी तरीके से कट करिएगा। ये देखिए, इधर से भी कट करना है और इधर से भी कट करना है, और इसी तरीके से सारी तोरी हमें कट करनी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी तोरी को इस तरीके से कट कर लिया है। आपको सारी तोरी इसी तरीके से कट करनी है। मेरी सारी तोरी कट हो चुकी है, अब मैं इसको बनाना स्टार्ट। अब मैंने इसमें लिए 1 मीडियम साइज़ प्याज, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, आधा टीस्पून हींग, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सौंफ पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हरी मिर्ची 1 से 2, और उसको इस तरीके से हमने कर लिया है कट। अब मैंने इसमें 1 से 1.5 बड़े चम्मच के तेल लिए हैं और उसको कर लिया है मैंने गरम। देखिए तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज, और प्याज को डार्क ब्राउन नहीं करना है, लाइट पिंक करना है, लाइट पिंक करना है, और ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। देखिए इस तरीके से इसको चलाना है और इस तरीके से इसे लाइट पिंक करना है। अब मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा, इसको मिलाना है, अच्छे से मिक्स करना है। और इसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी हींग। ये देखिए, अब मैंने इसमें डाल दिया हींग, सबको अच्छे से मिलाना है। इसको देखिए लाइट पिंक हुई है। अब मैं इसमें डाल दूँगी तोरी, ये देखिए, और इसको अच्छे से इसमें मिक्स करना है सबको, और इसको थोड़ी देर फ्राई करना है, 1 मिनट तक इसको फ्राई करना है। ये देखिए, और अब मैं इसमें डाल दूंगी सारे मसाले जो मैंने आपको बताए थे। बस गरम मसाला वो नहीं डालना है, उसको लास्ट में डालना है, बाकी सब डालना है इसमें जो जो मैंने आपको बताया था। हरी मिर्चें, लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, ये सब डालना है, बस गरम मसाला नहीं डालना है, बाकी सारी चीज़ें डालनी है। ये देखिए, और अब इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डाल के 7 मिनट तक लीड लगाकर इसको पकाना है। और आप बीच बीच में इसको देख सकते हैं, ये जल तो नहीं रही है। अगर ये जल रही है तो इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है हमें, जब तक ये गल नहीं जाती, और इसको ज़्यादा नहीं गलाना है, 7 मिनट तक करना है, और पानी नहीं डालना है। अगर ये लग रही है तो इसे मीडियम करके इसको पकाना है। ये देखिए, ये तोरी की सब्ज़ी बन चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला जो मैंने आपसे बोला था, वो पहले नहीं डालना है, उसको अब डालना है। ये देखिए, ये बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको करती हूँ सर्व। देखिए, अब मैं इसको कर रही हूँ सर्व। देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है। आप इसको इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया है, ये बहुत ही टेस्टी बनेगी, ये बहुत ही अच्छी डिश है, और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और ये बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।